हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो के अंदर हम रिएक्शन करने वाले हैं बाबर आजम किंग क्यों कहलाते हैं। उन्होंने फिर से साबित कर दिया है नेपाल के खिलाफ एशिया कप के पहले मैच में 151 का स्कोर किया है। लेकिन हम बात करेंगे दूसरे बंदे की जिसने स्कोर किया है बहुत कम बॉलों में, 67 बॉलों में आई थिंक सेंचुरी मार दी है, चचा। जी हाँ, इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे, लेट्स गो। तो भाई बाबर आजम की 19वां शतक, आप इस इनिंग को कितना रेट करेंगे? रेट क्या करना है? एक इंडिया के मैच, इंग्लैंड पहले, इंग्लैंड के नहीं नहीं देखे आप ऐसा नहीं कि शतक बनने के बाद भी इट वॉज कमिंग दिस वे। अब बॉल डिफरेंस कमा है, जैसे फिनिश करेगा तो बॉल डिफरेंस ज्यादा ही हो जाएगा, ठीक है, समझ। ये चीजें इट्स अबाउट कि जब नहीं उसके पहले आपको करना होता है ना कि हाउ विल ही प्रोसीड हिज इनिंग्स। प्रेशर में तब भी है, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करता कि बाबर पे बहुत ज्यादा रिलाई करता है पाकिस्तान, उसके बिना मिडल ऑर्डर वीक है, बट स्टिल ही डिलीवर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ही इज एवरेजिंग मोर देन 75 इन पाकिस्तान, ही इज एवरेजिंग क्लोज टू 60, ही इज द हाईएस्ट एवरेज इन ओडीआई हिस्ट्री, मोर देन 5000 रन, ठीक है, लेकिन मोर देन विराट कोहली, देयर इज अ रीजन फॉर दैट। भाई बात ये, जब वन मैन आर्मी, जब बाबर आजम की हम बात भी करते, एक प्लेयर इनका टीम में बाबर आजम ही है जो हम बात करते कि भाई लेकर जाता। और 2008 में आखिरी बार एशिया कप पाकिस्तान में हुआ था, पहला मैच आपका एशिया कप 15 साल बाद लौट रहा वहां पर पाकिस्तान में मुल्तान में शतक। ब्रिलियंट, आपके लिए कहीं ना कहीं आप बोलते हो कि भाई मुझे ये करके दिखाना है, पाकिस्तान में क्रिकेट तो होता नहीं था आपका टूर्नामेंट में, और देखो टीम कोई भी हो एक कॉन्फिडेंस तो मिलता है ना, वो आपके फखर जमान लप्पेबाज वो कुछ नहीं कर पाए, आपके रिजवान कुछ नहीं कर पाए, सलमान अली आगा कुछ नहीं कर पाए। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा वनडे में शतक 19, सईद अनवर से सिर्फ एक शतक दो, अभी चालू हुआ है बंदा, काबिले तारीफ, अभी चालू हुआ है ये बंदा भाई, नहीं हुए इनसाइड एज था, लेकिन हो सकता है कि पता, देखो बाबर का और कुछ नहीं है कि आप भाई उसको देखकर कर दिया है बात, पता क्या है, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेंटल टफनेस बड़ी जबरदस्त है इसकी, क्योंकि अगर आपको इंटरनेशनल सर्किट पे सक्सीड करना है ना तो आपको पता है भैया क्या है, क्योंकि क्रिटिसिज्म भी दुनिया भर का होता है, आ जा तेरे कपड़े फाड़ने, चल बाबर आजम तू आ जा, मीडिया कपड़े फाड़ती है, डिस्पाइट ऑफ दैट कैप्टनसी और बैटिंग में इसका लेवल डाउन नहीं हुआ है। इस लेवल की कंसिस्टेंसी मैंने किंग कोहली से देखी है, ईट स्लीप 100 रिपीट बाबर आजम यू ब्यूटी भाई, इसलिए तो ये वहां पर बाबर आजम किंग कोहली को बड़ी इज्जत। नहीं जैसा कि आज आपने शतक मार दिया, ठीक है मैं भी क्लैप करता हूं, लेकिन आपका असली टेस्ट 2 तारीख को, हाँ 100% सर, 100% इंडिया के सामने नहीं आएगी पाकिस्तान, और मुझे बारिश पड़ेगी ना, शॉर्ट यार नहीं, आज इफ्तिकार ने बहुत अच्छा रोल प्ले करा है वहां पर, इफ्तिकार क्या, जब आपकी 4 विकेट, देखो बाबर तो एंकर ही करेगा, 3 विकेट हो 4 हो बाबर एंकर ही करेगा, और 50 ओवर की गेम रट रखी है, तो मैच होती है ना टिप्स पे, है जी, इंडियन बॉलर सेट थोड़ी ना होने देंगे। हाँ कभी भी क्या होता है ना इसको, ये टाइम की विराट नहीं कर रहा, रोहित शिखर धवन बड़े सौ कर रहे हैं, शिखर धवन नहीं कर रहा, रोहित विराट बड़े सौ कर रहे हैं, और अगर भी रोहित शर्मा फ्लॉप हो गए तो विराट और शिखर धवन के रन आ रहे हैं, हमारे बिग थ्री ने डोमिनेट करा है पिछला डेकेड, और मैं अपने मिडल ऑर्डर को वहां पे भी गिनता हूं कि 11 के वर्ल्ड कप में जब आपको कभी युवराज सिंह मैच जिता रहे हैं, एमएस धोनी मैच जिता रहे हैं, सुरेश रैना मैच जिता रहे हैं, वो हम भी लैग करें पिछले 10 साल में, शिखर धवन और रोहित शर्मा ने खेलता एशिया कप तो था, वो एशिया कप इन्हें मारा था बहुत पाकिस्तान को 18 के एशिया कप में, भाई बाबर आजम की राहुल जितनी तारीफ करी जाए कम है यार। भाई बिल्कुल वहां पर बाबर आजम ने जो शतक भी मारा है, कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस मिल गया ना, इफ्तिकार की लगातार बात कर रहे थे कि आपकी टीम से सलमान अली आगा आप बार करो वहां पर, आप साउथ शकील को लेकर आ जाओगे, इसके अलावा टीम आपकी वहां पर सही कर ही रही है, और कहीं ना कहीं आप ये बोलोगे भाई नेपाल की भी बोलेंगे आप शुरुआत में वहां पर, आप ये बोल सकते हो कि थोड़ा टाइम लेकर आप रन कर दोगे, लेकिन जब बॉलिंग इंडिया की होगी, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग होगी, इंग्लैंड की बॉलिंग होगी, क्या आप फिर ऐसा कर, गुड यार क्या बात, इधर भी तालियां हो रही है दूसरे चैनल मजबूर कर दिया, सुल्तान हो गई भाई, मुल्तान के सुल्तान, एशिया कप का पहला मैच अभी मारेगा ना, देखिए ये है हो गई है, बड़ा प्लेयर बड़े मैच में रन बनाता है, हालांकि ये मैच इतना बड़ा नहीं था लेकिन जरूरत थी टीम को, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, वहां पर आकर 100 फिर से मार दिया, तो एशिया कप के स्टार्ट में चाहे वो वर्सेस नेपाल है, जो कल से बाबर बात कर रहा है कॉन्फिडेंस, हम पे प्रेशर नहीं है, हम पे कॉन्फिडेंस है, आज करके जरूर दिखाया,
शुरू में स्लो था, बाद में इफ्तिखार ने आके तेज करा, बट साथ में जब विकेट गिर गई तो टेंशन थी, कैच जरूर ड्रॉप हुई, सब की होती है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। मगर मैं जो कल से बोल रहा हूँ, यू कैन टॉक द टॉक, बातें सब कर सकते हैं, शादाब ने बोला था। कल ही टीम अनाउंस कर दी, आज इसने बोला भाई प्रेशर है, जो मर्जी है, हमें कॉन्फिडेंस है। नेपाल की टीम को इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन नेपाल की टीम ने भी मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया था चार विकेट के बाद। बट ये आदमी का जो मैं शुरू से इनके बारे में बोल रहा हूँ, एक चीज है बाबर आजम के बारे में, अपनी विकेट पे प्राइस लगाना, जो सूर्य कुमार यादव नहीं करते ना ओडीआई में, जो शायद आपके हमारे और भी बैटर है जो नहीं करते। लेकिन बाबर आजम से सीख, संजू सैमसन को सीखना चाहिए कैसे एक इतने कंजूसी से खेला जाता है कि भाई अपनी चांसेस नहीं देनी बॉलर को। बाबर आजम से सीखने वाली बात है कि अपनी विकेट नहीं देनी तो नहीं देनी। और आज सबसे जरूरत, आप सोच रहे नेपाल से हार जाते तो क्या हाल होगा, और ऑलमोस्ट कैच फंसी गई थी, बट फाइट करते रहे इतनी धूप के अंदर, बॉलर्स के लिए मुश्किल था तो बैटर के लिए मुश्किल है भाई, धूप बहुत थक गए थे, दिख रहा था बाबर के चेहरे पे। सेंचुरी कंप्लीट करी है और एक स्टेटमेंट दिया है कि भैया यहाँ पर पाकिस्तान के अगेंस्ट बाकी टीम्स को भी फॉर्म अच्छी है, दो लगातार 50 बनाए अफगानिस्तान के अगेंस्ट, यहाँ पे मुल्तान में 100 बनाया, अभी भी नॉट आउट है, अभी बचे हुए 9 ओवर, 8 ओवर लगा लो, दो तो यहाँ पर आप ये देख लो। ओए यार ये ऑर्डर आ रहा है शायद भाई, और हमारा तो यहीं पे दे देना, हम खा लेंगे। तो भैया बाबर आजम की सेंचुरी हो गई है, एशिया कप के लिए पॉजिटिव साइन है, बाबर ने वर्ल्ड कप तो बाद में आएगा, बाद में देखेंगे, बाबर ने पहले ही मैच में सेंचुरी ठोक दी है, टिपिकल बाबर स्टाइल, जो बोल रहे थे स्लो खेल रहा है भाई, ऑलमोस्ट रन बॉल आ गया है। अच्छा जी, 100, एक चीज आप ये देखें, मोस्ट 100 ऑफ पाकिस्तान के बेस सेकंड नंबर पे आ गया, मेरे फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट सईद अकबर के बाद। आपको लगता है इस मुकाबले में किसी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा चांसेस हैं एक बड़ी इनिंग्स खेलने का, तो नाम बाबर आजम ही होते। लेकिन भले ही नेपाल सामने थी, लेकिन प्रेशर लगाया था नेपाल की टीम ने, और शुरुआत में 25 रन पर 2 आउट थे, इमामुल हक रनआउट हो गए थे, फकर जमान उससे पहले रनआउट हो गए थे, और एक लड़खड़ाती पारी को पहले संभाला, और अगर आप देखेंगे पहले 50 रन तो तकरीबन 72 गेंदों पर आए थे, बट उसके बाद पेस अच्छी करी, जो हम लगातार बात भी करते हैं कि बाबर आजम अपने इनिंग्स को पेस बेहतर कर लेते हैं, जब कभी कभी वो इमाम के साथ उनका रेफरेंस भी हम करते हैं तो यही बात करते हैं, तो एक अच्छी शुरुआत, और जो हम कहते हैं कि एशिया कप में ये बाबर आजम का पहला शतक है, और हम बार बार याद दिला रहे थे जो पिछला एशिया कप और पिछला T20 वर्ल्ड कप रहा था, वहां पर पाकिस्तान टीम फाइनल तक तो गई थी, पर बाबर आजम के रन्स उस लिहाज से नहीं आए थे। अब यहां पर आप एक एशिया कप देख रहे हो, उसके बाद एक वर्ल्ड कप देख रहे हो, तो बाबर का उस लिहाज से शतक बहुत ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान की तरफ से। ऐसा नहीं कि बाबर का जी रन उस तरीके से नहीं आ रहे थे, फॉर्म में नहीं थे, और हैरानगी ये हो रही थी कि अफगानिस्तान वाले मैचेस में इन्होंने 250 लगाए, उनमें से किसी को कन्वर्ट नहीं किया, तो यहां पर भारत के साथ मुकाबला होने से पहले बाबर आजम का एक इस तरीके का 100। अगेन जो हम कह रहे हैं कि बात, आप ये मत सोचिए कि नेपाल ने अच्छी गेंदबाजी भी करी थी, प्रेशर भी लगाया था, रन रेट जो था बहुत वक्त तक 5 से अंदर अंदर कंट्रोल करके रखा था, और बाबर का एक कैच भी छूटा है जब वो मेरे ख्याल से 55 रन के स्कोर पर थे, वहां पर उनका कैच भी छूटा, कॉटन बोल्ड का चांस था, और आज के अगर स्टैंडर्ड्स आप देखेंगे तो आप उसको कहोगे इंडियन मीडिया में चर्चे तो होने ही है भाई, क्यों नहीं हो, क्योंकि बाबर आजम है भाई, बाबर आजम के चर्चे पूरी दुनिया में है, नंबर 1 टीम के नंबर 1 कैप्टन ओडीआई में करके दिखाया है उन्होंने फिर से, छोटी टीम ना बोलो नेपाल को, उन्होंने हलक में अटका दिया था मैच को शुरू में जब 4 विकेट गिरा लिए थे, तारीफ तो बनती है भाई, इस बंदे को पता नहीं कहां से उठकर आया है, काम कूल रहता है, कभी कभी बर्स भड़क जाते हैं जैसे कि अफगानिस्तान के खिलाफ, लास्ट के मैच तो देखने लायक था, T20 बना दिया था बाबर आजम ने, 6-4 6-4 और 2-3 शॉट तो एक एक हाथ से मारे हैं उन्होंने, ज़बरदस्त। लेकिन बात मैं यहाँ पर चचा की भी करूँगा, भाई चचा को क्यों बोले जा रहे हो, चचा का बहुत बड़ा रोल है भाई, स्ट्राइक रेट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन आज 66-67 में उन्होंने बॉलों में सेंचुरी लगा दी थी शायद, 67-68 बॉलों में ऐसी कुछ था, तो उनकी इनिंग भी देखने लायक थी, तड़ातड़ मैच मार रहे, बॉलें मार रहे थे वो भी जान लगाकर, तगड़े चचा ने पूरा संभाल लिया। लास्ट में मुझे शादाब का शॉट बढ़िया लगा, पहली बॉल पर आते आते उन्होंने यूँ बल्ला टेका और पीछे चौका चला गया, तो चर्चे तो बनते हैं दोनों खिलाड़ियों के, इन्होंने टीम को संभाला है और बहुत ही
तगड़े तरीके से सब। मुझे नहीं लग रहा था कि यार ये 250 तक भी पहुंचेगी, 250 या 300 के नीचे नीचे ये स्कोर होगा, लेकिन भाई 100 रन एक्स्ट्रा आ गए बाबर के टिकने के बाद। तो तारीफें तो बनती हैं, हमने कई चैनल्स देखे यहाँ पर इंडियन मीडिया के, जो कोई ऐसा लग रहा था कि यार बिना दिल से तारीफ कर रहा है, कोई ऐसा लग रहा था कि यार तारीफ करनी पड़ेगी, तो यहाँ कह सकते हैं कि मजबूरन तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बाबर आजम है भाई, उन्होंने करके दिखाया है। जी हाँ, असली टेस्ट जो होगा इंडिया के खिलाफ होगा। तो सारे लोग सब्सक्राइब बटन दबा दो, बेल आइकन प्रेस कर लो, हम कवर करने वाले हैं सारे मैचेस को, सब मज़ा लेते रहेंगे क्रिकेट का। हमारे साथ अगर मज़ा लेना चाहते हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।